प्रभु सचमुच जी उठे हैं, हालेलुया। उसकी महिमा तथा सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे, हालेलुया हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। पुण्य शुक्रवार को ऐसा लग रहा था कि दीपक बुझ गया, लेकिन आज हमको पता चलता है कि दीपक बुझ नहीं गया, लेकिन दीपक को बुझा दिया गया, क्योंकि सवेरा आ गया है। मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है, यही पास का त्योहार का संदेश है। इस संदेश को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। आज के दिन इस त्योहार की खुशी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, यह हमारी कामना है और इसके लिए हमें मेहनत भी करना चाहिए। आइए पुनर्जीवित प्रभु की शांति महसूस करते हुए हम इस मिसा बलिदान में भाग लें। हमारे पापों और कमजोरियों के लिए माफी मांगे और कहें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब सद्दूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो भगवन, दया
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे एकलौते पुत्र ने मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। हम तेरे आत्मा द्वारा नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर से जी उठे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय को शुद्ध करे, आप इससे प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, संत पेत्रुस ने पुनर्जीवित यीशु को अपनी आंखों से देखा था। वह पुनरुत्थान के साक्षी हैं और कहते हैं कि जो कोई यीशु में विश्वास करेगा उसे पापों की क्षमा मिल जाएगी। प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य संख्या 34 और 37 से 43 तक। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है। पेत्रुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नासरत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार योहन ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले से ही चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में हम सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनादि था।
यीशु के पुनरुत्थान के कारण संसार के विषय में हमारा दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए। जो यीशु के पुनरुत्थान तथा पुनरागमन में विश्वास करता है वह अपने परलोक की चिंता करता है। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:1-4। आप लोग ऊपर की चीजें खोजते रहें जहां मसीह विद्यमान है। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें, आप पृथ्वी पर की नहीं। ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ पुनर्जीवित होकर प्रकट हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मरियम मग्दलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के में अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस और उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेड़ कर पहले कब्र पर पहुंचे। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ था। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्मग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। प्रभु का
सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को प्रभु के पुनरुत्थान की शुभकामनाएं देता हूं। योब के ग्रंथ के अध्याय 14 वाक्य 7 से 12 में पढ़ते हैं, वृक्ष के लिए आशा रहती है, वह कट जाने पर फिर हरा होता है और उसमें अंगूर निकलते हैं। उसकी जड़ें भले ही जीर्ण हो गई हो, उसका ढूंढ मिट्टी में सूख गया हो, फिर भी वह पानी की गंध मिलते ही पनप उठेगा और उसमें नए पौधे की तरह अंगूर फूटेंगे। यह वाक्य योब की निराशा को प्रकट करता है। योब बहुत निराश हो गया था और इस वाक्य में योग की निराशा हमें देखने को मिलती है। वृक्ष की जड़ें भले ही जीर्ण हो गई हो, पानी का गंध मिलते ही एक नया पौधा उत्पन्न होता है। और आगे योग कहता है, लेकिन मनुष्य मरकर पड़ा रहता है, वह प्राण निकलते ही समाप्त हो जाता है। भले ही समुद्र से पानी लुप्त हो जाए और नदी तप कर सूख जाए, फिर भी मृतक पड़े रहेंगे और नहीं उठ पाएंगे। इस पाठ में हम योब की निराशा को पाते हैं। योब बहुत निराश हो गया था। इसका कारण क्या है? इसके पहले अगर अध्याय 13 को पढ़ेंगे, 13 के वाक्य 22 में बताया गया है, तब मुझे बुला और मैं उत्तर दूंगा, नहीं तो मुझे बोलने दे और तू ही उत्तर दे। या तो तुम मुझे बुलाओ, मैं उत्तर दूंगा, या मैं बुलाऊंगा, तुम उत्तर देना। प्रभु से कहते हैं, यानी तुम नहीं बोल रहे हो, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो तुम सुन नहीं रहे हो, तुम बोल भी नहीं रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो। यो बहुत निराश हो गया था। इसी बात को हम प्रभु यीशु क्रिस्त में पाते हैं, जब प्रभु क्रूस पर से कहने लगते हैं, एली एली लामा सबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ऐसा लगता है सब खत्म हो गया। जैसे मैंने मिसा की शुरुआत में कहा था, दीपक बुझ गया है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम उस वाक्य को जानेंगे जहां प्रभु कहते हैं, एली एली लामा सबक्तानी, मेरे ईश्वर तुमने मुझे क्यों त्याग दिया है, यह स्तोत्र 22 से लिया गया है, जहां पर एक मनुष्य की निराशाजनक परिस्थिति में एक स्तोत्रकार किस प्रकार प्रार्थना करता है, इसका एक उदाहरण हमें मिलता है। प्रभु यहूदी माता पिता के बेटे के रूप में जब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने स्तोत्रों को घंडस्थ किया था, याद किया था, और इसीलिए स्तोत्र को वे याद करते हुए कभी कभी दोहराते हैं। और क्रूस पर निराशाजनक परिस्थिति में वे उस स्तोत्र को गाते हैं जहां पर स्तोत्रकार अपनी निराशा को प्रकट करते हैं, लेकिन एक पल में वो निराशा आशा में बदल जाती है। आगे चलकर स्तोत्रकार अपनी आशा को ईश्वर में प्रकट करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। यौहन के सुसमाचार में अध्याय 12 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जब गेहूं का दाना मिट्टी में गिर जाता है और कुछ समय के लिए कुछ पता नहीं है
इसका क्या हो रहा है। अगर मिट्टी निकाल कर हम उसको देखेंगे एक दिन के बाद, ऐसा लगता है सड़ रहा है, दूसरे दिन भी सड़ रहा है, लेकिन तीसरे दिन एक पौधा निकल के आता है। हमारी मृत्यु एक प्रकार से जीवन का विकास है, नया जीवन शुरू होता है। इसलिए कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहले पत्र के अध्याय 15 वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। अगर हमारा विश्वास मसीह में सिर्फ इस दुनिया के जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्यों में सबसे ज्यादा दयनीय है। नाजरत का यीशु इतिहास का एक मनुष्य है। सभी लोग, दुनिया भर के लोग उनको बहुत मानते हैं, कई लोग उनको अच्छा शिक्षक मानते हैं, अच्छा अगुआ, अच्छे नेता, अच्छा मनोवैज्ञानिक, अच्छा शिक्षक, अच्छा प्रवचन देने वाला, एक समाज सुधारक, एक आदर्श मानव, ये सब दुनिया के लोगों के विचार और प्रभु के बारे में उनकी सोच है। लेकिन क्रिश्चियन विश्वासियों के लिए इतना काफी नहीं है। जब तक मृतकों में से प्रभु जी उठे हैं, इस बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं, तब तक हम यीशु के चेले नहीं हैं, यीशु के शिष्य नहीं हैं। यीशु में विश्वास करने वाले यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। सबसे अधिक दयनीय वो है जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर पाता, जिसको लगता है कि मृत्यु के समय में सब खत्म हो गया। ऐसे लोग भी है, कई लोग सोचते हैं मृत्यु के साथ सब खत्म होता है। हम जानते हैं हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आयु को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, गंभीर रूप से बीमार है, सब डॉक्टरों के पास जाके सलाह लेंगे, इलाज कराएंगे, एक से दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे और सबसे परामर्श करके सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे उम्र बढ़ाने के लिए, इस दुनिया में अपना समय बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ इस दुनिया के बारे में और इस दुनिया के जीवन के बारे में ही सोचता है, उसकी दशा बहुत दयनीय है। अमीर और लाजरस का दृष्टांत हम संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 16 में पाते हैं। वहां पर वो अमीर व्यक्ति इस प्रकार जीवन बिताता कि उसको लगता है इस दुनिया में सब कुछ खत्म है, जितना मौज मस्ती करना है इसी दुनिया में करो, इसी जीवन में करो, जितना सुख भोगना है इसी जीवन में, जितना भोजन करना है, जितना कपड़ा पहनना है, ये सब इसी जीवन में, आने वाले जीवन के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन उसके बारे में पवित्र ग्रंथ कहेगा वो मूर्ख था, क्योंकि मृत्यु के बाद उसको पता चला सब गड़बड़ हो गया, मैंने ठीक से नहीं समझा था। इसी प्रकार लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 में हम मूर्ख धनी के बारे में सुनते हैं। धनी को यीशु ने मूर्ख कहा है, क्योंकि उसने कभी आने वाले जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में नहीं सोचा था। हम भी अगर प्रभु के पुनर्जीवन पर और हमारे अपने पुनर्जीवन पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम भी मूर्ख है और हमारी भी दशा दयनीय है। प्रभु चाहते हैं कि हम इस सत्य को समझें। जैसे पूजन विधि में कहा गया है, मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है। हम इस संदेश को दुनिया भर के लोगों को देना चाहेंगे। दुनिया में सब लोग ये जाने कि इस दुनिया में रहते समय हम परलोक के बारे में सोचे, परलोक के जीवन के बारे में सोचे। वास्तव में इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 1 में कहा गया है, ईसा ने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अगर हम आने वाले जीवन पर विश्वास करेंगे,
हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा जीवन बिताकर अनंत जीवन के सहभागी प्रभु यीशु के साथ बनने की कोशिश करेंगे। यही कामना करते हुए हम इस मिसा बलिदान में, इस त्यौहार में भाग ले। आमीन। हम खड़े हो जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, पास्का संस्कार के द्वारा हम बपतिस्मा में क्रिस के साथ दफना दिए गए हैं, ताकि हम उन्हीं के साथ नया जीवन जी सके। इसलिए चालीसा की तपस्या समाप्त होने पर आइए हम अपने पवित्र बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं। इनके द्वारा हमने शैतान और उसके कार्यों को छोड़ दिया है और पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग पाप का परित्याग करते हैं ताकि ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का स्वतंत्र जीवन बिता सकें? मैं परित्याग करती हूँ। क्या आप लोग बुराई के प्रलोभनों का परित्याग करते हैं ताकि आप लोगों पर पाप का वश न चले? मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं जो पाप का मूल और खलनायक है? मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं जो कुवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है? मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जल तथा पवित्र आत्मा द्वारा नव जन्म और पापों की क्षमा दी है। वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखें। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मसीह मृतों में से महिमा के साथ जी उठे। मृत्यु के तीसरे दिन पिता ईश्वर ने उन्हें जिलाया और उनके शिष्यों के सामने प्रकट होने दिया। अतः अपनी सारी आवश्यकताओं को उसके समक्ष रखकर विनम्रता पूर्वक उससे प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वह साहसी और निडर होकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा पूरी दुनिया में कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्मसंधियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रतिदिन पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें और उनके पुनरुत्थान तथा प्रेम के साक्षी बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम नव बपतिस्मा प्राप्त बच्चों और नव दीक्षा ग्रहण किए नव युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन के हर क्षण में पुनर्जीवित प्रभु के नए प्रकाश और जीवन के आनंद का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी प्रचारकों और सुसमाचार प्रचार कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे सभी विश्वासियों को जीवित प्रभु यीशु के नए प्रकाश एवं विश्वास की ओर अग्रसर करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित अपने सभी क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी अपने विश्वास, आशा और प्रेम को नवीनीकृत कर सकें।
और प्रतिदिन अपने जीवन में पास्का के आनंद का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। एक पल के लिए अपने निजी निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु दुख भोगे, क्रूस पर मर गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, उनके पुनरुत्थान का पर्व हम आज मना रहे हैं। अतः हमें तेरे पुत्र को प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें ये कृपा दे कि हम तेरे पुत्र की शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करें और अंत में उनके पुनरुत्थान के भागी बन सके, हमारे प्रभु क्रीस के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परम पिता हमारा ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे ये बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा तेरी कलीसिया अपूर्व रीति से नवजन्म पाती और पोषित होती है, हमारे प्रभु क्रीस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र विशेष करके इस दिन अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप भर लिया है, इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर
हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होकर अस्वर्गिक शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विस्तार का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा
एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों की सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। दादा के आदेश पर अदिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्व कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु येसु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु येसु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा भरोसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू युगान जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे।
हमारे पास्का के मेमने अर्थात प्रभु येसु क्रिस्त बलि चढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए आइए हम शुद्धता और सच्चाई की बेखमी रोटी का पर्व मनाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने अपार स्नेह तथा कृपा द्वारा अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल। पास्का संस्कार द्वारा नवीन होकर वह पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच जाए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग शांति में विदाले। अल्लेलुया अल्लेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। अल्लेलुया अल्लेलुया। सीता